हेलो सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं रात के तो नहीं बोलूँगी, संध्या का समय हो रहा है और अभी मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी मैं ना तैयार हुई हूँ, तैयार तो क्या बोलूँगी, बस ऐसे ही थोड़ा सा कपड़े चेंज किए, बस ज़्यादा तैयार तो नहीं हुई हूँ मैं। और अभी हम जाने वाले भागवत में, पूरा दिन भर गई नहीं मैं, अभी जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे राकू ने बोला कि आपको भी चलना है क्योंकि जहाँ भागवत है वहाँ पर सभी लोग पूछ रहे हैं आपकी वाइफ क्यों नहीं आती, आपकी वाइफ क्यों नहीं आती। तो राकू ने बोला तो तुझे आज चलना ही होगा। और बच्चे और राकू चले गए हैं, अब मैं अपने पड़ोसियों के साथ जाऊँगी, जो दीदी है वो भी अभी ऑफिस से आया है, उन्होंने भी चलना है तो मैं उनके साथ चलूँगी। हमेशा की तरह ना मैंने सेम ही सूट पहना है, ब्लैक कलर का। और आप लोग भी सोच रहे होगी इसके पास सिर्फ एक यही सूट है। एक्चुअली पता क्या सीन है, जब मैं चौपाल गई थी ना वहाँ पर ही मैंने एक दिन ये सूट पहना था और फिर उसके बाद मुझे लगा कि वॉश क्यों करना, फिर बार बार धो के ना सूटों का स्टफ़ ख़राब होता है। फिर उसके बाद पलकिन का स्कूल का फंक्शन, तो मुझे लगा ये ही वियर करती हूँ। और अभी मुझे राकू ने ना सडन नहीं बताया, तो ये मेरा एज इट इज ही था, मतलब प्रेस करने को नहीं था। और जो बाकी के सूट है सिकुड़ गए हैं, वो श्रिंक हो गए और उनको प्रेस करने में भी टाइम लगना था, तो राकू ने उस टाइम मुझे बोला कि फटाफट कर ले, तो मैंने सोचा यही सूट पहन लेती हूँ, कौन दूसरे सूटों में प्रेस करे। तो आज भी मैंने फिर से यही ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है। क्या बन रहे? हाँ। और अभी मैं और तो बस अभी हम चल पड़े हैं, मेरे घर से थोड़ा बैक साइड को है दूसरी तरफ को, और अंतिम में दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है और मैं कितनी काली लग रही हूँ, इतनी काली हूँ मैं। और साथ में है मेरे साथ ये ओमिया, मेरे पड़ोसियों की बेटी। मुझे लगता दीदी 1 किलोमीटर तो चल पड़े हम है, आधे से कम किलोमीटर है। चलो जी एक इधर छोटा काकू हमारे साथ, चलो जी। और ये बिल्कुल हमारे घर के ना बैक साइड को आया अभी हम, और वहाँ से पूरे शिमला का ये व्यू दिखता है, ये पूरा शिमला दिख रहा है देखो। तो ये है, वैसे तो यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है बट कैमरा में इतना सुंदर नहीं नज़र आ रहा जितना मैं अभी यहाँ पर लाइव फील कर पा रही हूँ। काश दिन को होता ना तो बहुत अच्छा व्यू आना था। पहुँच गए हम जहाँ पर भागवत है, और ये एरिया ना थोड़ा गांव का एरिया पड़ता है। देखिए यहाँ पर खेत भी है, खेतों में लगाया है लहसुन, और नीचे लोग पंडाल में खाना खा रहे हैं। और मेरे साथ आगे निकल के ये रहे मेरे पति देव, उधर ताली बजाने इधर करा हेलो मामा गए, बैठेगा नहीं एक जगह। नाचो देवियाँ, नाचो नाचो, डांस करो। Baby।
चालू हो जाता रोना, उठ जा वहाँ झूठा है सारा गंदा चले सारे मुंह में इसमें झूठा लगा रहा है यहाँ से सारे पीछे बैठो पापा आ रहे पापा के पास जाना अपने जाना पापा के पास और हम आए यहाँ पर खाना खाने अब बैठ ही नहीं रहा ये जाओ तो पापा के पास जाओ जाओ तो पापा के पास जाओ और ये है सिप्पो बड़ी और हम लोग डिनर करके आ गए और चौक तक के लिए हमें मिली थी लिफ्ट और हम अपनी गाड़ियाँ नहीं लेके थे नानी बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ वीडियो में तो बस सब अब पहुँचने वाले हैं हम अपने घर वक्त से हम आ गए थे रात को और फिर थक भी गए थे फिर सीधे मैं सो गई थी और ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे से अभी मैं वेट कर रही हूँ पल्किन का और आप सोच रहे कहाँ पे वेट कर रही हूँ पल्किन का एक्चुअली मैं आई उसको स्कूल से लेने और साथ में इधर कर रहा है मेरे को तंग दुकान को लाना इसको ऐसे हो जाता ना सामान लेके इसमें ये देखो इसको ये नींबू आ गई दीदी तो मेरा पेट क्या हुआ बीमार हेलो नीबू ऐसे क्यों चल रहे आप थक क्यों जरा बताना मुझे ये किस ये इसे कौन कौन जानता है नीबू को मेरे कोई सब्सक्राइबर है जो इसे जानता होगा इसे और इसकी मम्मा को कौन कौन जानता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये भी शर्मा रही है आप कहाँ चुप रहे किनको होगी छुट्टी और मैं रह जाती हूँ गप्पे मारने शॉप में बाय काव्या चलो दीदी और ये देखो मेरे साथ फौज आई हुई है लेने पल्किन को दो फौज हेलो और वो रही पल्किन वहां से नींबू चलेगी उसको लेने टाइम आ जा भाई टाइम वाली मैंने क्या बोला अपना बैग खुद उठाना है चलो लेट्स गो और ये देखो किसका बर्थडे आपका मम्मा का ओके और देखो दिवाली का सामान लगा दिया और बच्चे यही रुक गए लो पल्किन वन एक एक मुर्गा छाप ये तो सांप कोबरा किंग लग रहा है मुझे अरे दे वन वन करो एक वापिस वापिस रखो वो तो दिया बेटा आपको वो देखो नींबू ये सेम ये आज पल्किन क्या कर रहे हो मत लो बेटा मंदिर में लगे हुए यहाँ पे तोड़ो मत इनको चलो आज रिदम और रास्ते में देखो कबूतर बैठा हुआ परे कितना प्यारा लग रहा है
और ये देखो दोनों बाप बेटे को, और इसके पापा आज इतने दिनों बाद आए ना, और राकू इतने काले दिख रहे हैं ना, लो राकू क्योंकि राकू होगी कितनी रातें, फोर नाइट्स फोर चार रातें होगी राकू को, राकू जागे हुए और बर्तन धो के मांज के ये लगे हुए सेवा में, क्योंकि जहाँ भागवत में गए थे ना वो इनके फ्रेंड है जिन्होंने वो भागवत करवाया हुआ है, जिनके घर पे वो भागवत है वो इनके फ्रेंड है, तो ये इतने दिनों से वहीं पर है, लकड़ी फाड़ने भी वहीं पर थे, और ये मतलब रूम को सोने भी रूम को नहीं आते, वहीं पर सोते हैं बस सेवा में लगे हुए, और काले बर्तन मांज मांज के इनकी शक्ल डॉक्टर शक्ल भी काली होगी है, लेकिन तो कर्म हमारे गोरे हो रहे हैं, लेकिन कर्म इनके बड़े अच्छे। हाँ आजकल लोग बस शक्ल देखते हैं, सीरत सूरत देखते, सीरत नहीं देखते। तो बस आज इतने दिनों बाद राकू हमारे समक्ष उपलब्ध हुए, तो मैंने सोचा आज इनको शूट में कर लेती हूँ वीडियो में, वैसे सारा शूट नहीं वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि इनका तो वो वाला हो गया ईद का चांद वाले दर्शन हो गए, तो अब ये रूम पे थोड़ी देर के लिए बैठे, अब इन्होंने आज भी फिर से जाना है, और हमारे को कल सुबह मिलेंगे, वो भी ठीक ऑफिस जाने पलकिन को लेने आते हैं ताकि स्कूल छोड़े पलकिन को, उसके बाद तो फिर से गायब हो जाते हैं, तो थोड़ी देर में जाएंगे फिर से वहीं पे, आज हम नहीं जाएंगे, बस तो बोल रहे थे, बट वहाँ पर बहुत हवा होती है ठंडी सी, और इधर ने मेरे को पिछले कल भी इतना तंग किया, ना ये खड़ा रह रहा था ना ये खाने दे रहा था, इधर उधर भाग रहा था लेट रहा था, और जो लोग नाच रहे थे उनके पैरों के बीच में घुस रहा था, मैंने बोला तू दूसरों को भी गिराएगा और खुद भी गिरेगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, और करवा चौथ की मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं करवा चौथ का फास्ट नहीं रखती, और जब मैं रखूंगी कभी इन फ्यूचर तो वो तो आपको पता लग ही जाएगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।